ऐसे ही अपराध किए हैं या करने का प्रयास किया है जिस कारण से मैं पुलिस को आपके माता पिता के खिलाफ एफआईआर करने का आदेश दूंगा। रितेश साहब, हमें सब पता है कि क्यों क्या चल रहा है, और फिर फिर आपका यूके मिस उत्तराखंड में, और फिर आर्य समाज भी दे रहा है आपको, और आपका मैरिज सर्टिफिकेट वो वहां से दे रहा है जबकि आप रहने वाले हो ही नहीं। सर, चूंकि उस महिला के साथ हमारे संबंध थे इसलिए वो महिला चरित्र है। अब हमने पूछा था, आप करेंगे तो मर्द और महिला करेगी तो चरित्रहीन, कौन से जिंदगी में जी रहे हो? अगर वो चरित्रहीन हो जाती तो आपने किसी महिला को चरित्रहीन बनाया क्यों? उसके लिए आपका प्रोसिक्यूशन नहीं होना चाहिए। पिटिशनर इज अ मेजर गर्ल माइनर्स एंड शी डिड हैव एन अफेयर विद वन मोनू मुसलीन माइनर। दे हैड डिसाइडेड टू गेट मैरिज माइनर। मोनू मुसलीन वाज कन्वर्टेड इनटू अ फ्रॉम मुस्लिम टू हिंदू रिलीजियस माइनर। वो उसके रिचुअल्स बताइए कब कन्वर्ट हुए माइनर्स, कन्वर्जन के रिचुअल्स बताइए कब हुए। काइंडली अप्रिशिएट एन एग्जिबिट पी2 माइनर्स। पी2 तो आर्य समाज वैदिक संस्कार ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट को कोई अथॉरिटी नहीं है सर। दिस इज अ सर्टिफिकेट व्हिच वाज इशूड बाय द रिलीजियस माइनर। इस ट्रस्ट को सर्टिफिकेट इशू करने की कोई अथॉरिटी नहीं है, कन्वर्जन करने का अथॉरिटी है क्या, बस इतना बता दीजिए। ये शुद्धिकरण करने का, ये आर्य समाज वैदिक संस्कार ट्रस्ट, इसको क्या अथॉरिटी है? अथॉरिटी बताइए ना, नहीं तो मैं इनको नोटिस इशू कर देता हूँ। इनको पार्टी बनाया आपने? No, my lord, it is not meant a party, my lord. आपको तो इनको पार्टी बनाई। Only grievance is that, my lord, my statement may be recorded, my lord. है? Before this point number two, my lord. क्या करना है? The statement may be recorded, my lord. किस बात के लिए? Because she did the marriage with the. कोई बात नहीं ना सर, तो आप जाइए ना, कौन मना कर रहा है? आप तो कोई अपराधी हो नहीं। I am a girl, my lord. वो तो कह रहा हूँ, आप अपराधी तो हो नहीं, मतलब अक्यूज तो हो नहीं उस केस में, तो आपको तो जाने में क्या डर है सर? They have not accepted my representation, my lord. Representation कैसे accept होगा सर? 161 का बयान क्या representation से accept होता है? Therefore, my lord, I will limit it from my lord to record my statement, my lord. तो मेरे भाई जाओगे कि नहीं जाओगे? Will go, my lord. My lord, आप चले जाओ ना, कौन मना कर? आप गए हो क्या कभी? क्या आपका ऐसा कहना है कि आप गए थे और इन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने से मना कर दिया? We moved this application, we moved the representation that is annexed to P6 before the concerned authority, my lord, but they have not accepted, my lord. We have not given gone, my lord. आपके परिवार वालों, permission may be granted, my lord. आपके माता पिता ने, जिसने आपको जन्म दिया था, क्या ऐसे अपराध किए हैं या करने का प्रयास किया है जिस कारण से मैं पुलिस को आपके माता पिता के खिलाफ एफआईआर करने का आदेश करूं? We have not made any complaint. और फिर आप प्रोटेक्शन, फिर आपके खिलाफ जब कोई कार्रवाई, जब कोई कुछ बोला ही नहीं गया तो पुलिस प्रोटेक्शन की क्या आवश्यकता है? My statement may be recorded by this point number 2, but simple permission may be granted to us, my lord. तो आप जाइए ना मेरे भाई। We'll go, my lord. जाइए ना, कौन मना कर रहा है? Permission may be. आप लोग रहने वाले कहाँ के? सागर, my lord. तो ये देहरादून में शादियां कैसे हो रही हैं? आप दोनों सागर के रहने वाले हो? Yes, my lord. और ये रजिस्ट्रार कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस, कैसे शादी कर रहा उत्तराखंड वाला? इस कौन सा ज्यूरिसडिक्शन आ गया इस आदमी के पास सर? स्पेशल मैरिज एक्ट में निकालो यार, स्पेशल मैरिज एक्ट 30 दिन, कम से कम एक पार्टी का 30 दिन में रहना उसके ज्यूरिसडिक्शन के अंदर जरूरी है। कोई दिल्ली से जाके कर लिया, कभी उत्तराखंड से कर लिया, कभी किसी से कर लिया, और सब बट रहे हैं सर्टिफिकेट्स। सिक्स मंथ का रेस्ट 30 डेज रिक्वायरमेंट 30 डेज से ज्यादा मुझे आ रहा, 6 मंथ नहीं है, देख लेता हूँ, देख लेता हूँ। 30 डेज का नोटिस है। अरे मैडम वो नहीं है, मैरिज हैज रिसाइडेड फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 30 डेज इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट, प्रीसीडिंग द डेट ऑन व्हिच द नोटिस इज गिवन, पर्टिकुलर ज्यूरिसडिक्शन सेक्शन 5 है। उत्तराखंड वाले ने भी बांट दिया, दिल्ली वाले ने भी बांट दिया, रहने वाले सागर के। Only permission, my lord, to record. आप चले जाइए सर, आप जाइए ना, आप वी वर्ड मत बोलिए सर, आपकी एक सिंगल पिटीशन है, सिंगल पिटीशनर, आप जाइए, आप जाइए। और आप, मैं पुलिस को ये भी डायरेक्शन दे रहा हूँ, दे विल वेरीफाई द अथॉरिटी ऑफ दिस पीस ऑफ पर्संस जिन्होंने ये सर्टिफिकेट बांटने का धंधा बना लिया है। आप कभी रहे हैं उत्तराखंड में, देहरादून में? नहीं रहे हैं। कैसे आपको बांट दिया इसका सर्टिफिकेट? मजाक बना दिया सर इन्होंने,
आर्य समाज वैदिक संस्कार के ऊपर हमने स्टेक लगा रखा हुआ है ग्वालियर से, वो भी बट रहे हैं। तब आप लोगों ने मध्य प्रदेश में करने के बजाय अब दूसरे प्रदेशों में जाना शुरू कर दिया। क्यों गए थे ये दिल्ली? क्योंकि मध्य प्रदेश में स्टे लगा हुआ है। साहब हमें सब पता है कि क्यों क्या चल रहा है। और फिर यूके, फिर आपका यूके मिस उत्तराखंड में, और फिर आर्य समाज भी दे रहा है आपको वहां से, और आपका मैरिज सर्टिफिकेट वो वहां से दे रहा है, जबकि आप रहने वाले हो ही नहीं हो। फिर 15026, मैं तो अथॉरिटी को डायरेक्शन दे रहा हूँ, दे विल कंसिडर एंड फाइंड इट आउट वेदर यू हैड दे एवर हैड एनी ज्यूरिसडिक्शन टू परफॉर्म मैरिज। कम से कम आपका मैरिज ऑफिसर तो लपेटे में आ जाएगा सर। आप, अरे आपके साथ अगर मान लीजिए सर, सपोज एक प्रश्न मैं आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, अगर कल को ये शादी अवैध हो गई, सबसे पहला इफेक्ट किस पे आएगा? कपल्स आप पे। कपल तो चलता रहेगा, वो तो जैसे आप लोग कहते हो ना, मेरा पिटिशनर मानोट्स, मैं आपको एक सिंपल सी बात कह रहा हूँ सर, वैसे कहना नहीं चाहिए परंतु आप लोगों की तरफ से आर्ग्यूमेंट्स आते हैं सर, चूंकि उस महिला के साथ हमारे संबंध थे इसलिए वो महिला चरित्रहीन। तब हमने पूछा था, आप करेंगे तो मर्द और महिला करेगी तो चरित्रहीन, कौन से जिंदगी में जी रहे हो? अगर वो चरित्रहीन हो जाती तो आपने किसी महिला को चरित्रहीन बनाया क्यों? उसके लिए आपका प्रोसिक्यूशन नहीं होना चाहिए। समाज में प्रॉब्लम महिला पे आती है, लीगली नहीं आना चाहिए पर आती है। अगर ये अवैध हो गई शादी, असर किस पे आएगा? पिटिशनर पे, पिटिशनर पे आएगा। तो उसके हितों की सुरक्षा करना हमारा फर्ज नहीं है। अरे आप चिंता मत करिए, अब मैं सागर को पूरा इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ कि ये यूके वाला भी देखेगा, आर्य समाज वाला, दिल्ली वाला भी देखेगा, और ये भी देखेगा, तीनों का जुरिसडिक्शन बताएंगे हमको। जबकि आपका कहना है कि आप लोग ना तो दिल्ली में कभी रहे ना तो देहरादून में कभी रहे, हम तो आपके हित की सुरक्षा की बात कर रहे हैं भाई। 15026/2024, इट इज सबमिटेड बाय काउंसिल फॉर द पिटिशनर दैट द पिटिशनर हैज मैरिड अ मुस्लिम बॉय नेमली मुर्सलीन पठान। मुर्सलीन पठान हैज अंडरगॉन द शुद्धिकरण रिचुअल्स परफॉर्म्ड बाय आर्य समाज वैदिक संस्कार ट्रस्ट, एंड देयर आफ्टर द पिटिशनर हैज परफॉर्म्ड मैरिज विद मुर्सलीन पठान इन शिव मंदिर हरिद्वार रोड देहरादून उत्तराखंड ऑन 21/5/2024। सर एक मेरे को थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ से आपसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। मुझे जो मालूम है, शिव जी को अर्धनारीश्वर कहते हैं और उनकी पिंडी का पूरा परिक्रमा नहीं की जाती है, इज इट राइट? राइट। सप्तपदी में शिव मंदिर में कैसे शादी हो जाएगी? और कहाँ लिखा है आपके इसमें कि सप्तपदी करवाई गई है? आपके इस सर्टिफिकेट में कहाँ लिखा है P3 में कि सप्तपदी करवाई गई है? P3 में कहाँ लिखा गया है कि सप्त मंदिर में सप्तपदी नहीं हो सकती, ये नहीं कह रहा हूं मैं। पवित्र अग्नि प्रज्वलित करके आप कहीं पर भी सप्तपदी कर सकते हैं, पर सप्तपदी एक शब्द नहीं लिखा इसलिए मैंने ये प्रश्न पूछा है। जवाब दीजिए। There is nothing mentioned man. क्या लिखा? देहरादून यूके एंड अ सर्टिफिकेट हैज आल्सो बीन इशूड ऑन 21/5/2024 एंड अ सर्टिफिकेट हैज आल्सो बीन इशूड by the said temple pointing out that the marriage has been performed as per rituals.
और इसमें हिंदू विधि पूर्वक भी लिख देते तो हम मान लेते विधि पूर्वक। विधि क्या है? कानून। विधि पूर्वक कानून, तो कानून क्या है? वो तो हिंदू मैरिज एक्ट में स्पेशल मैरिज में है, उसमें उस पर जाएगा। विधि पूर्वक बस लिखा है। क्या विधि? विधि तो स्पेशल मैरिज एक्ट में है या फिर हिंदू लॉ में सप्तपदी है। इट इज फर्दर सबमिटेड दैट एक सेकंड आपने फोटोग्राफ्स कुछ लगाए वो देखने से नहीं पवित्र अग्नि को दिख रही है फोटो में है सर ये सर। इट इज फॉर द सबमिटेड दैट इवन द रजिस्ट्रार ऑफ कंपल्सरी रजिस्ट्रार कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस देहरादून उत्तराखंड हैज इश्यूड अ सर्टिफिकेट ऑन 25th of May 2024 टू प्रूव दैट thereby registering the marriage. One sister. However, it is fairly considered by counsel for the petitioner that neither the petitioner nor Mursaleen Pathan had ever resided in Delhi or Dehradun. Our only contention is that the police may be requested, may be directed to register, to record the statement of the petitioner. It is not the case of the petitioner that she had ever approached the police and the police has refused to record the statement. The petitioner has also filed a copy of letter dated 22/5/2024 addressed to Superintendent of Police. As well as Sagar, as well as SHO police station Sagar, pointing out that her family members are against their marriage and therefore they have an apprehension of honor killing. But this application does not bear any acknowledgement nor any postal receipt to show that it was ever dispatched. They have never expected. They are never accepted manners by the messenger. अच्छी बात है अब तो यहाँ तक चले गए आप सागर द पिटीशनर वेरी स्कैर्ड लेडी माय लॉर्ड देयरफॉर तो आप थाने गए नहीं वी आर रेडी टू आपने आपने उत्तराखंड से रजिस्ट्री की नहीं और यहाँ पे एक आवेदन बना के फर्जी तौर पे पेश करवा दिया फर्जी तौर पे आपके पिटीशनर ने आप नहीं कह रहा हूँ मैं तो मान के चलता हूँ आप लोग वही फाइल करते हैं जो आप लोगों को दिए जाते हैं तो आपका पिटिशनर उत्तराखंड में कौन सा डर पड़ा हुआ था कि पोस्ट ऑफिस नहीं जा पा रहे थे इट इज सेंट बाय द ईमेल माय लॉर्ड एज पर द अच्छी बात है ईमेल का कहां है रिपोर्ट वो नहीं है वो मैं पता कर लेता हूं माय लॉर्ड कुछ भी प्रोसेस विदाउट कमेंटिंग अपॉन द वैलिडिटी ऑफ कन्वर्जन It is directed that in case if the applicant visits the police station to get her statement recorded, then in case if any offense has already been registered, it is directed that if any offense has been registered and if the petitioner visits the concerning police station to get her statement recorded, then the SHO oblige IU shall record the statement of the petitioner and shall also verify the legal sanctity and jurisdiction of conversion letter, conversion certificate issued by Arya Samaj Vedic Sanskar Trust as well as the jurisdiction of the said trust to issue such certificate as well as the marriage certificate issued by Shiv Mandir Haridwar Road, Dehradun and the registration certificate issued by Registrar Compulsory Registration of Marriages, Dehradun, because it is the case of the petitioner that neither she nor Mursaleen Pathan
had ever resided either in Delhi or Dehradun. With the first observation, the petition is finally disposed of. Yes. कौन सा वाला केस सर? 134 इसमें सर इनको मतलब हमारा पोजीशन हटाने का नोटिस दिया उसको चैलेंज जब आधा इंक्रोच